नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मंजीत सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल टेक गुरु मंजीत। सो दोस्तों, देख लेते हैं, हमने पिछले वीडियो में पहले ज़रा एक रिव्यू कर लेते हैं। पिछले वीडियो में हमने जो है पोर्ट सिक्योरिटी के बारे में देखा है कि पोर्ट सिक्योरिटी जो है मैक एड्रेस उसमें बाइंडिंग किस तरह से करते हैं, और फिर हमने एक प्रैक्टिकल करके देखा, जो दो अलग अलग पीसी हमने लगा के देखे कि पोर्ट सिक्योरिटी एनेबल करके देखा उसमें मैक एड्रेस बाइंडिंग करके, कि वो दोनों जो हैं आपस में कर पाते हैं, कि मतलब दूसरा जब हम चेंज करते हैं तो क्या पोर्ट जो है हमारा डाउन स्टेटस में जाता है, तो वो हमने प्रैक्टिकल करके देखा एक। सो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पोर्ट सिक्योरिटी के वॉयलेशंस के बारे में। सो वो क्या क्या किस तरह से जो है हम इन्वेस्टिगेट करते हैं अगर कोई वॉयलेशन होता है, और अगर हमें नहीं मालूम है कि वो जो पोर्ट है, सब जब अगर सपोज कर लीजिए कि आप किसी नए कंपनी में ज्वाइन करें हैं और वहाँ पे पोर्ट सिक्योरिटी पहले से एनेबल थी, और किसी वजह से इस तरह से जो है आपको कनेक्टिविटी में, जैसे दूसरा आप आई लैपटॉप या डेस्कटॉप चेंज करते हो तो वहाँ पे वो पोर्ट हो जाता है डाउन, तो आपको समझ में नहीं आता है कि ऐसा क्यों हो गया है, तो आप ये चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकते हैं। आज मैं कुछ कमांड्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप जो है पूरा ट्रबल शूट करते हैं कर सकते हैं, पोर्ट के बारे में जान सकते हैं कि उसके क्या चल रहा था उसके अंदर और क्यों ये डाउन हो गया है। सो आज के इस वीडियो में हम सिर्फ थ्योरेटिकल के उस कमांडों के बारे में सिर्फ समझेंगे, और अगले वीडियो में हम जो है इसका भी प्रैक्टिकल करके देखेंगे। तो चलिए स्विच के अंदर चलते हैं कॉन्फ़िगरेशन में, और कॉन्फ़िगरेशन में चल के हम सबसे पहले तो टर्मिनल पे चलते हैं और INTF0/1 पे चलते हैं, और यहाँ पे जो है हमें करना है सबसे पहले स्विच पोर्ट सिक्योरिटी पे जाना है और यहाँ पे लिखना है वायलेशन, राइट, और क्वेश्चन मार्क का आंसर लगाएंगे। तो यहाँ पे हमें तीन मोड मिलते हैं वायलेशन के, एक है प्रोटेक्ट और दूसरा है रिस्ट्रिक्ट और तीसरा है शटडाउन, यानी कि किस तरह की अगर मैक एड्रेस चेंज होता है और हमने पोर्ट सिक्योरिटी बना रखी है और उसमें कोई वायलेशंस होता है तो उसके अंदर हमें जो है जो पोर्ट है वो किस तरह से रिएक्ट करना चाहिए, तो ये वो चीज़ है। तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले प्रोटेक्ट की। तो दोस्तों, प्रोटेक्ट अगर हम वायलेशन प्रोटेक्ट में डाल देते हैं तो इसका मतलब है कि वो जो सिक्योरिटी, अगर सपोज कर लीजिए किसी मैक एड्रेस के साथ उस पोर्ट को बाइंडिंग किया हुआ है तो दूसरा कोई डिवाइस लगता है, तो ये उसको क्या करता है, इमीडिएटली जो है उसका जो ट्रा अगर दूसरा जैसे ही ट्रा उस पे कनेक्ट होता है पोर्ट पे, तो उसका पूरा ट्रैफिक जो है वो कर देता है बैन, और जब हम वापस सही वाला पोर्ट वापस लगा देते हैं और उसको ये कर देता है वापस चालू, तो ये है प्रोटेक्ट वाला मोड। तो यहाँ पे ये है रिस्ट्रिक्ट। तो रिस्ट्रिक्ट और प्रोटेक्ट में सिर्फ यही डिफरेंस है, काम दोनों एक जैसा ही करते हैं। रिस्ट्रिक्ट में यहाँ पे सिर्फ एक यही ऑप्शन अवेलेबल है कि ये जितनी बार भी हमारी वहाँ पे उस पोर्ट पे जो वॉयलेशंस होते हैं ये उसका एक लॉग जो है जनरेट करता है कि वॉयलेशन 1 हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 4 बार हुआ, तो नंबर ऑफ वॉयलेशंस कितने हुए हैं उस पोर्ट के ऊपर ये काउंट करता रहता है, तो रिस्ट्रिक्ट में हमें यही मिलता है। और तीसरा है हमारा शटडाउन, यानी कि अगर कोई भी वॉयलेशन होता है जो हमने कॉन्फ़िगर किया है तो ये उसको शटडाउन में डाल देगा, और अगर शटडाउन मोड में जाता है तो हमें जो है कि वहाँ पे जाके मैनुअली स्विच के अंदर उसको डिसेबल करके वापस से एनेबल करना पड़ेगा, यानी कि उसका नो शटडाउन पे कमांड देनी पड़ेगी, तब जाके वो पोर्ट जो है वापस वर्किंग करने लगेगा। और सपोज कर लीजिए कि आपने जो है पोर्ट में किसी दूसरे को पीसी लगा दिया और वो शटडाउन मोड में था और शटडाउन उस पे कॉन्फ़िगर था और वो पोर्ट जो है वो डाउन स्टेटस पे दिखा रहा है, सो उसको किस तरह से है, कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जिसके थ्रू आप जो है इन्वेस्टिगेट कर सकते हो, तो वो देख लेते हैं। तो उसके लिए हमें जो सबसे पहली जो हमारी कमांड है, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, सो यहाँ पे ये कमांड बड़ी ही कमाल की, बहुत ही अच्छी है, जहाँ पे हमें जो है स्टेटस सभी पोर्ट्स का देखने को मिल जाता है। तो सपोज़ कर लीजिए FA03 है जो ये आपका इस तरह से मोड में दिखा रहा है, अगर वो पोर्ट सिक्योरिटी वॉयलेशन में है तो यहाँ पे अब यह आपको कुछ और चीज़ नहीं दिखाता लेकिन इस तरह से डाउन दिखाता है। अब ये डाउन क्यों दिखा रहा है
वो यहाँ से पता नहीं चलता है। तो अब डाउन पता क्यों हुआ है उसको वो जानने के लिए हमें जो है एक कमांड चलानी पड़ेगी। हमें दो तीन कमांड हैं जो मैं आपको सारी बता देता हूँ। सबसे पहली है शो इंटरफेस और F0/1। तो एक ये कमांड है जिसमें पूरा उस पोर्ट के बारे में यहाँ पे डिटेल आ जाती है, राइट। जैसे F01 को हमने किया है, अब यहाँ पे फास्ट इथरनेट है इज़ अप, उसका स्टेटस दिखा रहा है। तो अगर डाउन हुआ होगा तो यहाँ पे लिख के आएगा इज़ डाउन, और लाइन प्रोटोकॉल इज़ अप यहाँ पे और कनेक्टेड बता रहा है। तो उस कंडीशन में जो है अगर वो डाउन हो रखा होगा तो यहाँ पे उसका एरर बताएगा कि क्यों वो डाउन हुआ है। एक तो ये तरीका है ये पता करने का, और दूसरा तरीका, दूसरी कमांड की अगर मैं बात करूँ तो दूसरी कमांड है आपका पोर्ट सिक्योरिटी से ही। तो आप यहाँ पे शो शो स्विच सॉरी पोर्ट सिक्योरिटी और फिर आप इसमें एंटर कर देंगे। अभी यहाँ पे कुछ नहीं दिखा रहा है, रीज़न बिंग कि हमारा अभी भी कोई ऐसा पोर्ट जो है जिस पे पोर्ट FA01 है या कोई भी है वो उस पे कोई भी सिक्योरिटी नहीं लगी है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल, और वहाँ पे हम ये चीज़ को देखेंगे कि किस तरह से ये जो है दिखाता है। अगली एक कमांड होती है शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस। तो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस, तो इसको मैं थोड़ा सा और बड़ा करता हूँ तो आपको दिखाता हूँ। तो ये जो कमांड काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे वो पहले बताता है कि कौन से VLAN के अंदर है और कौन सा MAC एड्रेस उसके अंदर बाइंड किया हुआ वो दिखता है, और कौन सा पोर्ट है जो यूज़ हो रहा है वो सारी डिटेल यहाँ पे आती है। और अगर हम इसके आगे जितने भी मतलब यहाँ पे पोर्ट्स होंगे उनकी सारी डिटेल आती है। अब यहाँ पे रिमेनिंग एज है उसका डिटेल आ जाता है। इसको और अच्छे से हम समझेंगे जब हम आगे जो अगले वीडियो में प्रैक्टिकल करने वाले हैं। काफ़ी अच्छी कमांड है ये भी, जहाँ पे हमें मैक एड्रेस वगैरह पता चल जाते हैं। और इसके बाद एक कमांड है शो पोर्ट सिक्योरिटी एड्रेस करके, सॉरी नॉट एड्रेस, इंटरफेस, सॉरी इंटरफेस। और यहाँ पे हमने उसका इंटरफेस का जो है नाम देना है। तो FA01 ये कमांड बड़ी ही कमाल की है दोस्तों। यहाँ पे आपको जो है पोर्ट के बारे में पता करना, अगर कोई पोर्ट डाउन है, और सबसे पहले मैं बोलूँगा कि यही कमांड का आप इस्तेमाल करो तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी कि अगर पोर्ट सिक्योरिटी उस पर एनेबल है भी है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टेटस दिखा रहा है डिसेबल, अगर एनेबल होगा तो यहाँ पे एनेबल लिख के आएगा, अगर अभी डिसेबल है तो आपको यही पता चल जाएगा कि उस पोर्ट के ऊपर को कोई पोर्ट सिक्योरिटी थी नहीं। तो उसका डाउन होने का कारण कुछ और है, यानी कि कुछ फिजिकल डैमेज हो सकता है, या कोई जो PC आपने या लैपटॉप आपने कनेक्ट किया है वो हो सकता है उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो, या फिर जो वायर से आप पैच कॉर्ड से कनेक्ट कर रहे हैं वो शायद उससे प्रॉब्लम हो। तो यहाँ से आपको ये सारी चीज़ उस पोर्ट के बारे में पूरी डिटेल मिल जाती है, पोर्ट स्टेटस क्या है, सिक्योर डाउन। तो अगर एनेबल होगा तो ये आपको यहाँ पे सारी चीज़ अपडेट करेगा। वायलेशन मोड शटडाउन, अभी अगर अगर एनेबल करते हैं तो ये डिफ़ॉल्ट पे शटडाउन पे चला जाता है। और एजिंग टाइम, यानी कि अगर कोई वायलेशन होता है तो उसमें कितनी देर तक जो है वो पोर्ट डाउन रहना चाहिए, उसके बाद वो एनेबल हो जाना चाहिए, वापस से वर्किंग करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें जो है हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अगले में। और यहाँ पे हमने जो उसके साथ लास्ट सोर्स मैक एड्रेस वेल, यहाँ पे जो उसमें लास्ट जो वायलेशन जिसके थ्रू हुई है उसका मैक एड्रेस भी यहाँ पे कैप्चर मिल जाएगा। तो दोस्तों ये कुछ कमांड थी जो यूज़ होती हैं आपको अगर कोई पोर्ट के इन्वेस्टिगेशन करनी है, आपको पोर्ट में अगर काम नहीं कर रहा है तो आप ये दो तीन कमांड हैं जो स्विच में जाके कॉन्फ़िगरेशन में जाके आप ये चीज़ें चेक कर सकते हैं कि वो जो पोर्ट है वो क्यों डाउन है और क्या वजह है उसकी। तो वो सारी डिटेल जो है आपको इस वीडियो इस कमांड्स में आपको पूरी डिटेल में पता चल जाएगा। और आई होप कि आपको इसमें कोई डाउट नहीं हुआ होगा, अगर क्योंकि मैं प्रैक्टिकल भी करके दिखा रहा हूँ। तो अगर कोई भी किसी भी वीडियो में दोस्तों अगर आपको कोई भी लगता है चैलेंज लगता है, कोई भी कुछ आपकी क्वेरी है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। हालांकि मैं अभी बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्या वर्कलोड चल रहा है तो इस वजह से आप लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं आपके कमेंट्स के जवाब नहीं दूंगा।
हो सकता है मुझे देने में थोड़ा देर हो जाए, लेकिन आप सभी के कमेंट के जवाब जरूर मिलेंगे आपको, ये दैट्स फॉर श्योर। सो आई होप कि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें, और जिन्होंने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह के बहुत सारे टेक्निकल वीडियोज़ और लेके हम आते रहते हैं और आगे भी आते ही रहेंगे। सो इस वीडियो के लिए दोस्तों इतना ही, अगला वीडियो आने तक सेफ रहें, अलर्ट रहें, एंड बी ऑलवेज गुड टू अदर्स।